अपन ने एलपीपी में फर्स्ट एक्सरसाइज जो करी थी जिसमें डायरेक्ट इक्वेशन दे रखी थी और उसका अपन ग्राफ से उसका जेड कैसे निकालते हैं या मैक्सिमम या मिनिमाइज कैसे करते हैं। आज अपन इसकी सेकंड एक्सरसाइज में वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स टफ होती है बिकॉज इसमें क्या है, हमें पहले इक्वेशन बनानी पड़ती है, देन हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करके मिनिमाइज जेड और मैक्सिमाइज जेड निकालना पड़ता है। तो आज अपने पास एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिया है 12.2 एक्सरसाइज का, कि वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर 200 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 25 ग्राम ऑफ फेट। अब दो तरह के केक हैं अपने पास, ठीक है ना। उसमें जो फर्स्ट केक है उसमें 200 ग्राम फ्लोर और 25 ग्राम उसमें फेट आने चाहिए, उतनी उसकी आवश्यकता है। एंड अनदर काइंड ऑफ केक, जो दूसरा केक है उसमें क्या रिक्वायरमेंट है, 100 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 50 ग्राम ऑफ फेट। उसके लिए दूसरा केक बनाने के लिए हमें 100 ग्राम फ्लोर की जरूरत है और 50 ग्राम फेट की जरूरत है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक, इसमें केक जो नंबर ऑफ केक है उसको हमें मैक्सिमम करना है, ठीक है ना। कैन बी मेड फ्रॉम 5 किलोग्राम ऑफ फ्लोर एंड 1 किलोग्राम ऑफ फैट, यानी अपने पास टोटल जो फ्लोर है आटा है वो 5 किलोग्राम अवेलेबल है, उसी का यूज करना है। एंड फैट जो है वो टोटल 1 किलोग्राम अपने पास अवेलेबल है। तो अपन इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें टेबल बनानी है। टेबल बनाने के बाद अपन इक्वेशन बनाएंगे। देखो इसको पहले टेबल में समराइज करो, जैसे अपन यहां लिख देते हैं फर्स्ट केक और यहां नीचे लिख दो आप सेकंड केक, ठीक है। इस तरह से आपको टेबल बनानी है। और टेबल बनाने के बाद यहां पे देखो दो चीजें हैं अपने पास, एक तो आटा है, केक के अंदर क्या है, एक तो फ्लोर, फ्लोर और फैट। तो यहां पे अपन लिख देंगे फ्लोर, यहां लिख देंगे अपन फैट, ठीक है, इतनी ही जरूरत है हमें। अब देखो फर्स्ट केक में फ्लोर कितना चाहिए, 200 ग्राम, तो यहां पे 200 लिख दो। और फैट कितना चाहिए, 25, तो यहां पे लिख देना है आपको 25। सेकंड टाइप का जो केक है उसमें 100 ग्राम फैट है, और सॉरी 100 ग्राम फ्लोर है, तो यहां 100 लिख दिया। और फैट कितनी है इसमें, 50 ग्राम है, तो यहां पे आपको लिख देना है 50। अब यहां अपन इक्वेशन कैसे बनाएंगे, देखो अब यहां से हमें क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ केक। अब हमें पता नहीं है कि केक कितने थे, यहां मानेंगे किसको, देखो फ्लोर और फैट की क्वांटिटी दे रखी है, हमें यहां पे मैक्सिमाइज करना है नंबर ऑफ केक को, तो हमें केक को मानना पड़ेगा। मान लो लेट नंबर ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ केक, ठीक है, फर्स्ट टाइप के केक है अपने पास एक्स एंड सेकंड टाइप ऑफ केक्स आर वाई, कि फर्स्ट टाइप के जो केक है वो अपने पास एक्स केक है और ये वाई केक है, तो अपना यहां से जेड कैसे बनेगा, ठीक है ना। जेड जो है वो नंबर ऑफ केक से बनेगा। अब देखो जेड यहां पे सीधा अपन बना सकते हैं कि जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ केक, यानी टोटल केक कितने हो गए, एक्स प्लस वाई। तो हमें इसको क्या करना है, यहां पे मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि यहां मैक्सिमम लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अपन ने जेड कैसे बनाया, जिसको हमें मैक्सिमाइज करना है, जैसे मैक्सिमाइज नंबर ऑफ केक है, अपन ने फर्स्ट टाइप के जो केक है वो एक्स माने थे और सेकंड टाइप के केक अपने पास कितने हैं, वाई। तो टोटल कितने होंगे, केक कितने बनेंगे, एक्स प्लस वाई, बस इसी को ही मैक्सिमाइज करना। अब आपको क्या करना है यहां पे, अब इसके नीचे देखो इक्वेशन कैसे बनाते हैं। अब यहां पे आते हैं, यहां पे टोटल अपने पास जो क्वांटिटी है वो अवेलेबल कितनी है, देखो फ्लोर की जो क्वांटिटी है वो अपने पास अवेलेबल है 5 kg, यहां पे लिखा हुआ है 5 kg फ्लोर है। अब ये ग्राम में है, यहां पे देखो ये ग्राम में है सारे, ये भी ग्राम में, ये ग्राम में, तो यहां 5 kg फ्लोर है, तो यहां 5 kg फ्लोर के नीचे 5 kg लिखेंगे, उसमें कितने ग्राम होते हैं, 5000, तो इसको ग्राम में चेंज करना बिकॉज ये यूनिट ग्राम में है। अब सेकंड लिखा हुआ है फेट, 1 किलोग्राम फेट है, तो 1 किलोग्राम फेट इसको भी ग्राम में चेंज कर दो, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000, ठीक है। अब अपने पास ये टेबल तैयार होगी, जेड अपन ने बना लिया। अब आपको क्या करना, देखो इक्वेशन कैसे बनेगी, अपने पास यहां पे एक केक में 200 ग्राम है, ठीक है ना। तो यहां से बनानी, यू बनानी, फ्लोर की ऐसे बनेगी इक्वेशन, फैट की ऐसे बनेगी, फ्लोर की कैसे बनेगी, 200x, यानी एक केक में 200 ग्राम फ्लोर है, तो x केक्स में कितना होगा,
एक्स इंटू 200 ग्राम प्लस सेकंड टाइप का जो केक है वो नंबर ऑफ केक कितने हैं, वाई है। अब एक केक में 100 ग्राम फ्लोर है सेकंड टाइप का जो है, तो वाई केक में कितना होगा 100 वाई इज लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा 5000। अब मैंने लेस देन इक्वल टू क्यों लिखा है, बिकॉज अपने पास क्वांटिटी 5000 से ऊपर जाना ही नहीं है, अपने पास अवेलेबल कितना है 5 किलो, यानी हमें 5 किलो के अंदर ही दोनों टाइप के केक बनाने, इसलिए लेस देन इक्वल टू या तो 5 किलो होगा या उससे कम। ठीक है, अब इसको और शॉर्ट कर देते, ये एक इक्वेशन आपके बन गई। तो यहां अपन इसको 100 से डिवाइड कर देते सबको, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू 50, ये एक इक्वेशन आ गई अपनी। अब दूसरी इक्वेशन उसी तरह से सेम एक बन गई तो दूसरी बन जाएगी, यहां पे भी वैसी 25x प्लस 50y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां पे, सॉरी इज इक्वल टू नहीं होगा यहां पे, लेस देन इक्वल टू यहां पे भी इतना ही होगा क्योंकि अपने पास जो फैट है वो कितनी अवेलेबल है 1 किलो। अब यहां से भी देखो, यहां 25 से डिवाइड कर दो तो एक्स प्लस 2y, यहां पे 25 से डिवाइड किया कितना आया 40, ये दो इक्वेशन आ गई। ठीक, अब ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, रीजन क्या होगा, देखो यहां पे x क्या है नंबर ऑफ केक है तो वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा, एंड y भी क्या है नंबर ऑफ केक है इसलिए वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो ये चार इक्वेशन बनी 1 2 3 4। अब आपको क्या करना है, जैसे पहली इक्वेशन है, अब पहली इक्वेशन का कोऑर्डिनेट इसकी लाइन ड्रॉ करनी, इसकी लाइन ड्रॉ करनी, और ये किसमें आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, ठीक है ना, और ये किसमें आएगा बिकॉज एक्स पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव, मीन्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अब इसकी लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे अपन, सबसे पहले देखो इसकी टेबल बनाते हैं, 2x प्लस y इज इक्वल टू 50 लिख दो इसको, लेस देन इक्वल अभी कुछ नहीं करना आपको, ये जो इक्वेशन है इसको इज इक्वल टू 50 कर देनी। अब आप इसकी टेबल बनाओगे, ठीक है, दो पॉइंट ही निकालना है आपको, ज्यादा नहीं निकालना है, ठीक है। अब यहां देखो कोऑर्डिनेट कैसे निकालते, पहले x0 का मतलब x वाला हट गया, क्या बचा y इक्वल टू 50, तो y इक्वल टू कितना आ गया 50। अब अपन क्या करेंगे y0 यानी y हट गया तो 2x इक्वल टू, y हट गया तो 2x इक्वल टू 50 रहा, तो 2x इक्वल टू 50 मीन्स x इक्वल टू कितना हो गया 25, तो ये 25 हो गया। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये नेक्स्ट इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 कर दो इसको, या इज इक्वल टू लगा देना है। अब इसकी टेबल बनाएंगे, बिकॉज लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट चाहिए, कम से कम दो कोऑर्डिनेट चाहिए, तो x0 रखा, x हट गया, 2y इक्वल टू 40 मीन्स y इक्वल टू 20, नाउ वी पुट y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 40, ये दोनों इक्वेशन, और x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब कैसे ड्रॉ करना है, इस तरह से, ठीक है, एक लाइन अपन ने यू ड्रॉ की, बिकॉज ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, है ना, बिकॉज x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0। अब यहां देखो x की हाईएस्ट वैल्यू है 40, तो यहां पे आपको क्या करना है, 1 कॉलम इज इक्वल टू 5 10 15 20 25 30 35 40, इस तरह से ले लेना। और यहां पे देखो यहां y की वैल्यू हाईएस्ट 50 है, तो यहां पे भी इस तरह से ले लो 5 10 15 25 30 35 40 45 and 50 55 and so। अब अपन पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देखो 0 इसके कोऑर्डिनेट ये हो गए, एक तो 0 50, पहले ये लाइन ड्रॉ करेंगे, 0 50 कहां पे आएगा, ये 0 हो गया पॉइंट, 0 एंड देन 50 यहां पे हो गया, ये 50, ठीक है ना। अब 25 0 मींस यहां पे, ठीक है, इन दोनों को सीधा स्ट्रेट मिलाना है आपको, ठीक है, ये मिला दिया, ये किसकी इक्वेशन आ गई, ये। अब यहां पे लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू में कौन सा पोर्शन आ जाएगा, आपको पता है लाइन अगर यहां पे लेस देन इक्वल टू हो मीन्स लेफ्ट वाला जो पोर्शन है ये वो लेस देन का हो गया, ठीक है, क्योंकि अपन ने पहले इक्वेशन लिखी थी उसमें क्या लिखा था, लेस देन इक्वल टू, अब यहां पे भी लेस देन इक्वल टू। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, पहला कोऑर्डिनेट है 0 20, तो 0 20 आ गया यहां पे, ठीक है, देन 40 0, तो 40 0 यहां पे आ जाएगा आपके,
इन दोनों को भी अपन यू पे इस तरह से यहां पे ज्वाइन करेंगे। अब ज्वाइन करने पर ये जहां इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को भी आपको यहां पे नोटिफाई कर देना है। मेरे यहां पे ये आ रहा है ये इस तरह से, ठीक है। अब बिकॉज ये मैंने रफ डायग्राम बनाया है इसलिए आपको, आप जब ग्राफ में बनाओगे तो ये एग्जैक्ट आ जाएगा, यहाँ नीचे का मिल रहा है, इसके कोऑर्डिनेट निकाल दें। अब इसमें भी लेस देन पोर्शन है, लेस देन पोर्शन यही हुआ, ठीक है ना, इस लाइन के नीचे का पॉइंट। अब इनका यहां से नीचे ये और यहां से नीचे ये हो गया, तो इनका कॉमन पोर्शन कौन सा आ रहा है, ये जो क्वाड्रिलेटरल यहां बन रहा है ये कॉमन है, ठीक है ना, ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये अपना फिजिबल रीजन है। बिकॉज एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो और एक्स ग्रेटर देन जीरो, यानी यहां पे जाना ही नहीं आपको, इसी में देखना है। अब यहां पे कॉर्नर के पॉइंट निकालेंगे अपन। देखो एक तो ये जीरो जीरो है, ठीक है, दूसरा ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्या होगा जीरो और ट्वेंटी, फिर ये पॉइंट ये निकालना है, और ये एक ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया ट्वेंटी फाइव एंड जीरो। अब इस पॉइंट को निकालना है। अब ये पॉइंट कितना आया, देखो यहां पे मिल रहा है मेरे ट्वेंटी पे और यहां मिल रहा है टेन पे, यानी ट्वेंटी और टेन, ठीक है। अब देखते हैं ये सेटिस्फाइड करता है, यहां पे ट्वेंटी रखता हूं तो ट्वेंटी प्लस टू इंटू टेन मीन्स फोर्टी हो गया, मीन्स यही है। अब अपने पास ये चार पॉइंट, अब आपको कॉर्नर के पॉइंट ले लेने, ये वन टू थ्री फोर, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको, टेबल बनानी है इस तरह से। यहां पे अपन यहां पे लिख देंगे कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट्स, और यहां पे जेड इज इक्वल टू क्या माना था अपन ने, एक्स प्लस वाई लिया था। अब सबसे पहला कॉर्नर पॉइंट अपन लेते हैं जीरो जीरो, जीरो जीरो पे जेड इज इक्वल टू जीरो ही आएगा, यहां पे एक्स की वैल्यू जीरो और वाई की वैल्यू जीरो रखेंगे। सेकंड लेंगे अपन जीरो ट्वेंटी, जीरो ट्वेंटी रखेंगे तो जेड इक्वल टू क्या आएगा, यहां पे जीरो और ट्वेंटी रखा तो मीन्स ट्वेंटी आया। देन नेक्स्ट अपन रखेंगे ट्वेंटी टेन, ट्वेंटी टेन रखा मैंने तो यहां ट्वेंटी और यहां टेन रखेंगे तो कितना आएगा थर्टी, फिर आएगा ट्वेंटी फाइव जीरो, देन ट्वेंटी फाइव जीरो तो यहां पे जेड इज इक्वल टू यहां ट्वेंटी फाइव प्लस जीरो मीन्स ट्वेंटी फाइव। तो यहां पे देखो हमें क्वेश्चन में मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है थर्टी, किस पॉइंट पे आ रही है ट्वेंटी जीरो, तो ये अपना आंसर है, ठीक है ना। यहां पे थर्टी जो है वो मैक्सिमम है, तो किस पे आ रही है ट्वेंटी एंड टेन पे, तो अपना आंसर है एक्स इक्वल टू ट्वेंटी एंड वाई इज इक्वल टू टेन। मीन्स फर्स्ट टाइप के जो केक हैं वो कितने बनेंगे ट्वेंटी, और सेकंड टाइप के केक होंगे टेन।